किसान भाइयों, अगर आपके भी धान की फसल की अवस्था लगभग 50 से लेकर 60 दिन के बीच की हो चुकी है, तो इस समय पर आपको अपनी धान की फसल में किसान भाइयों इन तीन खास उर्वरकों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर किसान भाइयों इस समय आप अपनी धान की फसल में इन तीन खास उर्वरकों का इस्तेमाल सही मात्रा में करेंगे तो आगे किसान भाइयों जब आपके बालियों में दाने का भराव होगा तो जो दाने आएंगे वह स्वस्थ, वजनदार और भरपूर दानों का भराव होगा और आपको किसान भाइयों आपकी जो धान की फसल है उससे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार पैदावार मिलने वाली है। अगर आप भी किसान भाइयों अपने धान की फसल की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो इस समय पर जिन उर्वरकों को आपको डालना है उनको जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी के निशान को जरूर दबाएं। किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल रोपाई की हुए लगभग 50 से 60 दिन की आसपास की हो जाती है, इस समय तक किसान भाइयों हमारी जो धान की फसल है उसमें जो कल्लों की संख्या होती है वह लगभग बन चुकी होती है और जो हमारी धान ग्रोथ होती है किसान भाइयों वह भी लगभग लगभग हो चुकी होती है। लेकिन इसी समय किसान भाइयों हमारी धान की फसल को कुछ खास उर्वरकों की भी आवश्यकता होती है। यदि इसी समय किसान भाइयों हम सही मात्रा में सही उर्वरक डाल देंगे तो हमारी धान की फसल में किसान भाइयों जो बालियां आएंगी वह लंबी बालियां आएंगी, बालियों में जो दाने का भरा होगा वह भरपूर दाने का भरा होगा और यह सब प्रक्रिया होगी तो किसान भाइयों हमको काफी अच्छी पैदावार मिलने वाली है। नंबर वन पर किसान भाइयों इस समय पर आपको जिस खास उर्वरक का इस्तेमाल करना है इसका नाम है NPK 0-52-34। बालिये से निकलने का जो पहले का समय होता है किसान भाई उसे हम गबोट अवस्था कहते हैं। इस समय पर किसान भाई अगर आपके धान की फसल हो जाए तब आपको अपने धान की फसल में NPK 0-52-34 का स्प्रे जरूर करना चाहिए। इसका स्प्रे करने के बाद में किसान भाइयों हमको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इस समय किसान भाइयों अगर अपनी धान की फसल में हम NPK 0-52-34 का स्प्रे करेंगे तो किसान भाइयों अक्सर किसान भाइयों की समस्या रहती है कि उनकी जो है बालियों में दाने का भराव अच्छे से नहीं हो पाता, बालियां खाली रह जाती हैं, वह समस्या उनकी दूर हो जाएगी। बालियां किसान भाइयों जब आएंगी तो लंबी बाली आएंगी, बालियों में जब दाने का भरा होगा तो भरपूर दाने का भरा होगा, जो प्रांगण की प्रक्रिया है किसान भाइयों वह भी काफी ज्यादा तेज हो जाएगी। बालियों में किसान भाइयों जो दाने का भरा होगा वह बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाला है। इसके साथ ही किसान भाइयों नंबर दो पर आपको जिस उर्वरक का इस्तेमाल करना है इसका नाम है बोरोन। जी हाँ किसान भाइयों, NPK 0-52-34 और बोरोन दोनों को किसान भाइयों मिलाकर आपको स्प्रे करना है। अगर हम NPK 0-52-34 की मात्रा की बात करें किसान भाइयों तो लगभग आपको 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। अगर हम बोरोन की मात्रा की बात करें किसान भाइयों तो इसको भी आपको लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। बोरोन डालने से किसान भाइयों जो हमारे NPK 0-52-34 की जो क्षमता है उसमें और भी अधिक वृद्धि हो जाती है और जो किसान भाइयों हमारे धान के पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसको बोरोन काफी ज्यादा तेज कर देता है, जिससे किसान भाइयों धान की बालियों में जो दाने का भरा होता है वह सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद किसान भाइयों जब आपकी धान की फसल में बालियां निकल आए उस समय पर किसान भाइयों आपको नंबर तीन वाले खास उर्वरक का इस्तेमाल करना है। इसका नाम है किसान भाइयों NPK 0-50। जी हाँ किसान भाइयों इस समय आपको पोटाश का उपयोग जरूर करना है। अगर इस समय पर किसान भाइयों आप पोटाश नहीं डालेंगे तो आपके धान के बालियों में जो दाने का भराव होगा वह स्वस्थ दाने का भराव नहीं होगा किसान भाइयों, वजनदार दाने नहीं आएंगे और आपको पैदावार कम मिलेगी। लेकिन इसी समय किसान भाइयों अगर आप पोटाश डाल देंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आप इस 0-0-50 का स्प्रे भी कर सकते हैं किसान भाइयों। अगर आप स्प्रे नहीं करना चाहते तो आप किसान भाइयों दानेदार पोटाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मात्रा आपको लगभग 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और इसका बुरकाव आपको करना है। इसका रिजल्ट किसान भाइयों इस समय पर सबसे ज्यादा हमारे धान की फसल में माना जाता है। इसको डालने के बाद में किसान भाइयों जो सबसे बड़ा आपको फायदा मिलने वाला है कि धान के बालियों में जो दाने का भरा होगा किसान भाइयों वह वजनदार दाने का भरा होगा, जो दाने आएंगे किसान भाइयों वह चमकदार होंगे और स्वस्थ दाने का भरा होगा और आपको भरपूर पैदावार मिलने वाली है। हम 0-0-50 की मात्रा की बात करें किसान भाइयों अगर इसका आप स्प्रे करेंगे तो लगभग 150 लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे आपको करना है। इसकी मात्रा आपको लगभग 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। तो इस समय पर किसान भाइयों अगर आप अपने धान की फसल में इन तीन खास उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही इस वर्ष आपको आपके धान की फसल से काफी बढ़िया और काफी अच्छी पैदावार मिलने वाली है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।